हेलो बच्चो लेटर रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सीवेज वेज प्योरिफिकेशन इज परफॉर्म बाय पहला ऑप्शन है माइक्रोब दूसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजर तीसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एंटीसेप्टिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस सी द की कॉन्सेप्ट एंड जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट इज अंडरस्टैंडिंग दी सीवेज प्योरीफिकेशन सीवेज प्योरीफिकेशन को अंडरस्टैंड करना ठीक है ये सीवेज प्योरिफिकेशन क्या होता है सीवेज प्योरिफिकेशन इन्वॉल्व करता है रिमूविंग कंटामिनेंट्स रिमूविंग दी कंटामिनेंट्स फ्रॉम दी वेस्ट वाटर ताकि उसको हम बना सके सेफ फॉर डिस्चार्जिंग इनटू टू द इनवामेंट और रीयूज करने के लिए ये जो आपका प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन प्रोसेस ये प्राइमरी रिलाई करता है ऑन बायोलॉजिकल कॉमा केमिकल, बायोलॉजिकल होता है केमिकल होता है एंड फिजिकल मेथड्स पे रिलाई करता है ठीक है तो माइक्रो रोल की बात कर लेते हैं ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज प्यूरिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रोल ठीक है तो सबसे पहला आता है हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिव सो माइक्रोब्स so, की बात करते हैं जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट है बैक्टीरिया बैक्टीरिया फंजाई एंड प्रोटोजोआ ये बहुत क्रूशल होते हैं इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज ठीक है अगर हम बात करते हैं एन एरोबिक ट्रीटमेंट की जैसे कि इन एन एरोबिक डाइजेस्टर्स माइक्रोब्स काम करते हैं विदाउट ऑक्सीजन ओवर डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं बायोगेसेस लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये हो गया आपके एन के बारे में अगर अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट एरोबिक ट्रीटमेंट जैसे कि होता है इन द एक्टिवेटेड स्लड्स सिस्टम यहाँ पर यूज करते हैं ऑक्सीजन को यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड कन्वर्ट करते हैं उनको इन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिशनल माइक्रोबियल बायोमास ठीक है ये जो आपके माइक्रोबियल प्रोसेस होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक लोड एलिमिनेट करते हैं पैथ्रोजन को एंड ओवरऑल प्योरीफाई करते हैं आपका सीवेज को ठीक है अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर टू की जिसमें आती है हमारी स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी देन वी हैव सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राइमरी में क्या होता है इसमें रिमूव करते हैं लार्ज सॉलिड्स एंड कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स मेनली थ्रू फिजिकल प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है इसमें हम रिलाई करते हैं हैंवी माइक्रोबेल एक्टिविटी के ऊपर माइक्रोबेल एक्टिविटी होता है ताकि डिग्रेड कर सके ऑर्गेनिक मैटर में और ये स्टेज क्रूशल होता है ताकि रिड्यूस कर सके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को दैट इज बी ओ डी को ऑफ़ द सीवेज, ठीक है अब हम बात करते हैं टोयशरी ट्रीटमेंट तो टोयशरी ट्रीटमेंट में क्या होता है इट इज द फर्दर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जिसमें और ज्यादा एडवांस फिल्ट्रेशन होते हैं केमिकल ट्रीटमेंट होती है एंड एडिशनल माइक्रोवेव प्रोसेस होता है ताकि रिमेल कंटेमेंट्स को हम रिमूव कर सकें अब हम बात करते हैं ऑप्शन के बारे में सबसे पहले यहाँ पे दिया है हमें माइक्रोब्स तो ठीक है तो जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये आपके प्राइमरी एजेंट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को जो एसेंशियल होता है फॉर डाउन ऑफ ऑर्गेनिक इन द सीवेज नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होता है जो हम सॉइल में ऐड करते हैं टू इनहस द प्लांट ग्रोथ ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन द सीवेज प्योफिकेशन ठीक है अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली आपके मेडिसिन होते हैं जो किल करते हैं या फिर इनिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ़ बैक्टीरिया इन द बॉडी ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है लास्ट है एंटीसेप्टिक्स एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो किल करते हैं या फिर इनहबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ़ माइक्रोब्स ऑन द लिविंग टिश्यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद सेज माइक्रोब्स स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू